सूबा प्रधान आल इंडिया किसान सभा पंजाब नूं बेनती करदा हां मैक ते आउण। इन्हां तों बाद मनोहर सिंह जी गिल जमहूरी किसान सभा सूबा कमेटी मैंबर ने, मनोहर सिंह जी गिल वह भी तैयार रहन। पिछले 105 दिनों तो दिल्ली दिया बरूहां ते बैठे हुए बहुत ही सत्कारयोग मेरे किसान भरावो, मेरिया मावां भैणा ते नौजवान दोस्तों, सब तो पहला फतेह अर्ज करता हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी पिछले 8 महीनों तो संघर्ष के मैदान दे विच्चों ते संघर्ष लगातार लंबा हुंदा जा रहा है। दिल्ली दे विच आया होया नूं आपां नूं 100 दिन तो उपर हो गए ने, पर केंद्र दी गूंगी ते बोली सरकार ते ओ फाशीवादी सरकार जिस दी अगवाई नरेंद्र मोदी नां दा अजिहा झूठा बंदा कर रहा है कि जिसने पिछले समय दे विच झूठ बोलण दे बड़े वड्डे रिकॉर्ड बना दित्ते ने। दुनिया दे विच बड़े बड़े महापुरश होए आ जिन्हां दा ये रिकॉर्ड सी, जिन्हां बारे ये मिथ सी कि वो सच बोलते ने, ते सच उन्हां दा ना ही सच का प्रतीक बन गया सी, जिवें कि राजा हरीश चंद्र ते महाभारत दे विच पांडवां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डा सी युधिष्ठिर, उस नूं भी सच पुत्र कहा जांदा सी। जदों कुरुक्षेत्र दे मैदान दे विच युद्ध हो रहा सी तां द्रोणाचार्य जिहड़ा सारिआं दा गुरु सी ओह कौरवां दे पासे तो युद्ध कर रहा सी, ते पांडव सेना दा लगातार नाश हो रहा सी। उस नूं रोकण दे वास्ते कृष्ण ने जदों ये कहा कि उस नूं आपां हरा नहीं सकते, पर एक गल दे नाल आपां उस दी तीर कमान रखवा सकते हाँ कि जेकर उस नूं उस दे पुत्र अश्वत्थामा की मौत की खबर दे दिती जावे, तां इह खबर जेकर युधिष्ठिर बोलूगा तां द्रोणाचार्य सच मन लूगा, होर तां किसे दा उसने सच नहीं मनना, क्योंकि उसनू सच पुत्र कहा जांदा सी। जदों युधिष्ठिर नूं कहा गया तां उसने इस गल तों जवाब दिता, क्योंकि वह जिंदगी दे विच कदे झूठ नहीं सी बोलदा, तां उसनू इस गल वास्ते प्रेर लिया गया कि चलो तू ये कह देवी भी अश्वत्थामा मारिया गया हाथी, हाथी का नाम सी अश्वत्थामा। तां उस गिणी मिथी योजना के अनुसार द्रोणाचार्य के सामने आके जो उसनू खबर दिती गई तो उसके हथ पैर फुल गए कि मेरे पुत्र की मौत होगी, तो मैं युधिष्ठिर नूं पुछदा भी की ये गल सच है। तां युधिष्ठिर नूं जदों पुछया गया तां उसने कहा कि अश्वत्थामा मारिया गया, तो जदों उसने हाथी का नाँ लेना सी उस तो पहला ढोल बजा के शोर पा दिता गया, उसनू उस हाथी का नाँ ना आया। ये उदाहरण सी उन्हां सच पुत्रां दीआं कि दुनिया उन्हां ते माण करदी सी, वह जो मूँह दे विच्चों कहिंदे सी वह सच कहिंदे सी पर झूठ नहीं सी बोलदे। हुण दुनिया दे विच इक रिकॉर्ड ये बन रहा साडे देश दे विच कि झूठ तां लीडर बहुत बोलदे वेखे आ, पहला भी बड़िया बड़िया जन सभावां च वादे करदे आ वह झूठ बोलदे आ, ते इस सरकार ने इस प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट दे अंदर राष्ट्रपति दे धन्नवाद मते उपर बहस का जवाब दिंदिआं बड़े वड्डे झूठ बोले है तुहाडी
किसानी दे इस अंदोलन नाल संबंधित मुद्दों के उपर ते किसानी दीआं मंगां दे नाल जिहड़ा एक झूठ लगातार 5 जून नूं जदों तों इह आर्डीनेंस लिआंदे गए आ इस प्रधानमंत्री ने अज तक बोल रहा भी ये कानून है जिहड़े उह किसानी दे हक विच ने किसानी दे फायदे वास्ते ने। असीं सरकार दे नाल लगातार 11-12 मीटिंगां कीतियां उन्हां मीटिंगां दे विच कलौज बाई कलौज इन्हां दे मंत्री नरेंद्र तोमर नूं इह मनवाया मेज दे उपर कि कानूनां दे विच बहुत वड्डियां गलतियां रह गईआं ते असीं इहदे विच सोध कर दिंदे आं। अखीर ते सोधां ते हुंदी हुंदी गल अखीरली मीटिंग तक इत्थों ताईं पहुँच गई भी तुसीं जिद ना करो कानून रद्द कराउण बारे ना कहो असीं सारे दा सारा कानून विच्चों बदल दिंदे आं साडा खाली डब्बा पिया रहण दिओ। ते उही बंदे जिहड़े साडे नाल मीटिंगां 'च मन के आए पार्लीमेंट दे अंदर झूठ बोल रहे ने लगातार कि किसान सानू एक भी गलती कानूनां 'च नहीं दस सके। हुण बहुत सारे किसानां दे विच भी इह भरम भुलेखा हो जांदा भी असीं किहो जिहे लीडर बनाए आ जिन्हां नूं इन्नी भी अकल नहीं भी कानूनां 'च गलत की है। ये वो लोग ने हिटलर वांगू एक झूठ नूं 100 वारी बोल के सच बनाउण दे राह ते तुरे होए है। ते मेरे किसान भरावो मैं तुहाडे सिरड़ नूं तुहाडे सिदक नूं ते तुहाडी इस आत्मक बल नूं प्रणाम करदा कि तुसीं लगातार 8-10 महीनों तो उह सरकार जिहनूं कोई चैलेंज नहीं हुंदा सी जिहड़ा अजेतू समझदा सी अपने आप नूं जिसने एक पुराने जमाने का जिहड़ा अशम जग करदे हुंदे सी राजे ते घोड़ा छड़ दिंदे सी इक कि मैं अजेतू हो गया इन्हां ने उह घोड़े छड्डे होए आ कि साडे घोड़े नूं सारे हिंदुस्तान तक ही दुनिया 'च फड़न वाला है नहीं। ते इह जिहड़े मेरे सामने उह किरती लोक बैठे आ जिहड़े बाबे नानक तो लैके जिन्हां ने एक शहीदियां दा इतिहास रचिया होया जिन्हां ने कुरबानियां दा इतिहास रचिया होया उह गुरु गोबिंद दे पैरोकार ते भगत सिंह दे वारस उन्हां ने उस घोड़े दियां लगामां फड़ लईआं ते असीं उस घोड़े दे उपर सवारी करके रहना। हुण उह घोड़ा जिहड़ा इन्हां ने छड्डिया केंद्र सरकार दा बेलगाम घोड़ा असीं उस दे उपर सवार होणा ते जिहड़े लगातार झूठ बोल रहे आ कानूनां बारे ते उस नूं नत्थ पाए बिना दिल्ली तो वापस नहीं जाना। दूजी गल MSP बारे लगातार झूठ बोल रहा है कि MSP सी है ते रहूगी ते असीं इह कहिंदे आ ना कदे MSP सी ना है ते रहूगी। टोटल 100% दे विच्चों सिर्फ 6% MSP दे उपर खरीद हुंदी है। 23 फसलों का मुल जारी कर दी है सरकार तेईं दे विच्चों पंजाब ते हरियाणे दे विच्चों कणक ते झोना खरीद दी है थोड़ा मोटा पछमी UP ते राजस्थान दे विच्चों सरों वगैरह खरीद लैंदी है पर बाकी 94% किसान पहला भी लुट्टिया जा रहा सी अज भी लुट्टिया जा रहा है ते जे MSP नहीं मिलती ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਥੀਓ 1850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800-1000 ਤੱਕਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਰੋਂ 7000 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ 5000 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
सारा खलजागन रचा होया है, जिहड़े बिल लियांदे आ, जिहड़े कानून बनाए हुए है, इन्हां कानूनां दा असीं विरोध कर रहे हैं। इसे गल करके कर रहे हैं कि जिहड़ा बाजार है वह टोटल गहने धरन की तैयारी है, प्राइवेट धनाडा कोले कारपोरेट घराणियां नूं बाय करन दी तैयारी है, सब कुछ तुसीं इह गल्लां समझ चुके हो। तो उस सिदक ते सिरड़ दे नाल, उस समझ दे नाल दिल्ली दे विच अज 105 दिनों तो बैठे हुए हो। तो केंद्र की उस गूंगी ते बोली सरकार नूं मैं इस मंच तो चेतावनी देना चाहुंदा कि वह साडे सबर का इम्तिहान ना लवे, साडे सिदक नूं ना परखे। साडा इतिहास उन्हां सूरबीरां दीआं कुरबानियां दे नाल भरिया पिआ, जिन्हां कुरबानियां नूं अखी देखता की कन्ना दे नाल सुन के भी रूह कंब जांदी है कि चरखड़ियां ते चढ़न वाले लोग, फांसी दे तख्तियां ते चढ़ के रस्सियां नूं चुम्मण वाले लोग अज इस अंदोलन की अगवाई कर रहे हैं। तो जदों अंग्रेज नूं इत्थों भजाया तो उदों भी इन्हां पंजाबियां ने ते इन्हां उत्तरी भारत के सारे लोगों ने रल मिल के इस अंदोलन की अगवाई की, उन्हां दी पिठ ते सारा देश आया। अज भी भावें कि संघर्ष पंजाब तो शुरू होया सी, पंजाब दे किसान ने कीता सी, पर संघर्ष दे चलदिआं चलदिआं अज साडे राही आ जिहड़े उह हरियाणा, राजस्थान, यूपी ते आंध्रा, केरला ते सारे किसान ते सारा समाज साडे नाल आ रलिआ है, क्योंकि उसने इन्हां कानूनां दी भयानकता नूं समझ लिया कि जेकर ये कानून लागू हुंदे आ, भावें कि किसान है जिहड़ा जमीन वाला, जमीन की मालकी वाला, उसकी वारी सब तो मगरों आनी है, सब तो पहला एक मजदूर नूं उस बाजार का सामना करना पैना है, जिहड़ा उस कारपोरेट घराणियां का बाजार होगा, जिथे कणक का भा है जिहड़ा वो जिवें किसान तो खरीदी जाती है 20 रुपये, वो नहीं होना, उत्थे 200 रुपये किलो आटा मिलेगा, उत्थे चौल का रेट 150-200 रुपये, 300 रुपये किलो होगा, जिहड़ी मक्की की छली अज 5-10 रुपये की रेहड़ी तो मिलती है वह मॉल के 70-80-100 रुपये तक मिलनी है। ये गल्लां ने जिहड़ियां साडे किसान दे नाल नाल सारे समाज नूं समझणियां पैणियां, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे कोई मुलाजम भरा है साडा, जिहड़े पढ़े लिखे लोग है, सुचेत लोग है, जिहड़े कि इस गल नूं समझ चुके है, ते हले दूर दुराडे प्रांतां दे विच पिंडां दे विच साडा भरा किसान है चाहे मजदूर है जिहड़ा हजे इस समझ तो कोरा है, असीं इह सारियां गल्लां उस तक लैके जाणियां है कि इन्हां कानूनां ने किवें तुहाडे देश दा जल, जंगल, जमीन ते तुहाडा रेलवे, तुहाडी बिजली, थोड़े हस्पताल ते थोड़े स्कूल खो के उन्हां प्राइवेट गिरजां दे पंजां दे विच दे देने है, जिन्हां ने तुहाडी लुट करनी है लुट, ते तुहानू मजदूर नू एक कसियारा बना के, एक बंधुआ मजदूर बना के, जिहड़ा कि केंद्र सरकार उस राह ते तुरी हुई है, जिन्हें घट्टो घट 40 तो उपर जिहड़े कानून है मजदूरां दे हक दे विच बने हुए, मुलाजमान के हक के बने हुए, उन्होंने पार्लीमेंट के रद्द करके रख दिता है, तो वो विरुद्ध साढ़े देश दियां वड्डियां 10-11 फेडरेशन जिहड़ियां कि लगातार लड़ाई के मैदान के विच है, तो आने वाले दिनों के भी वह प्रोग्राम दे रही है, असी उन्होंने सांझी मीटिंग की है, तो आने वाले दिनों के सांझा प्रोग्राम दिता जाऊगा ता कि सारा समाज एकमुट हो के सारे अपने हितों की लड़ाई, समाज की लड़ाई वो लड़ सके, ते आम आदमी नूं इन्हां गिरजां दे पंजां तों बचा सकगे। असी साथियों सानू जेकर असी वक्रे वक्रे तरीकों के नाल सोचांगे कि ये किसान की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये मुलाजम की लड़ाई है, तो असी वंडे रहांगे। पहले ही इन्हां दा वंडण दा इतिहास है, सानू लगातार धर्मां दे नाते, जातां दे नाते, होर इलाके दे नाते, भाषा दे नाते बड़ियां तिखियां वंडां पा के इन्हां ने 70 साल राज कीता, 70 साल,
पर हुण सारे समाज समझ चुक्या है वो अपने आर्थिक एजेंडिया अपनिया आर्थिक लोड़ां ते जिंदगी नाल जुड़िया हुई सारिया लोड़ां ते जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ रहा है ते देश दे हाकम नू अज पिस्सू पए हुए है ते बड़ी शर्मनाक चुप ने धारी हुई है। मैं इस स्टेज तो कहना चाहना कि मोदी तैनू ये चुप तोड़नी पैनी है ते तैनू इसे जीव दे नाल यह ऐलान करना पैना है कि तिने कानून जड़े देश नू गहने करन वाले है देश नू प्राइवेट घराणियां नू वेचण वाले है ते ओ विदेशी घराणे ओ पूंजीवादी सरकारां अमरीका तो लैके कनेडा इंग्लैंड दियां जिहड़ियां इस देश नू लुट्टण वास्ते तैयार होईयां बैठियां है उन्हां तो पासे रख के देश की पूंजी सानू इस कानूनां नू रद्द करना पैना है तैनू इसे जीव दे नाल ऐलान करना पैना है ते नहीं ता तू साडा सबर ना परख साडा सिदक ना परख असी लगातार इस तरह डटे रहना है। जेकर असी उस मुगलों नू उन्हां अबदालियां नू भांज पाई है असी अंग्रेज भी इत्थों पजाए है कदे किसे तानाशाह ने दुनिया दे विच लोकां नू जित के राज नहीं किया हमेशा लोग जितते आए ने अपने हक्कां लई लड़दे लोग कदे भी हारे नहीं ये दुनिया का इतिहास कहिंदा मैं नहीं कहिंदा ते मेरे बहुत ही सूझवान ते बहादुर भरावो असी इस लड़ाई नू जारी रखना है। जिहड़ियां उन्होंने पिछले दिनों दे विच चाहे वह लाल किले की घटना सी चाहे कूर प्रचार मीडिया के उत्ते चलाया कदे नौजवानों नू वखरे करन दा यतन किया कोई भी साथों पासे नहीं साडे नौजवान बच्चे साडे नाल ने असी कट्ठे हो के लड़ाई दे मैदान दे विच आ असी कट्ठे हो के अगे वधना है सिरड़ सबर ते सिदक दे नाल अगे वधना है। इन्हां बेनतियां दे नाल तुसी मैनू सुनिया स्टेट सैकटरी साहब ने समा दिता तो जेकर कोई एक दो मिनट ज़्यादा लै गया होवांगा तो माफ़ी चाहवागा इन्हां बेनतियां दे नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत